मिथुन चक्रवर्ती ने यूं तो अपने कैरियर में सैकड़ों फिल्में की हैं, पर कुछ फिल्में उनकी ऐसी हैं जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। ये वो फिल्में हैं जिनका नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ बड़े गर्व से जोड़ा जा सकता है। ऐसी ही एक फिल्म है प्रेम प्रतिज्ञा। गरीब कितनी भी पी ले नशा नहीं होता। सिद्धि विनायक इंटरनेशनल के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था बी लोगनाथन ने और इसके निर्देशक थे बापू, जिन्होंने इससे पहले सन 1980 की हम पांच, 1982 की बेजुबान, 1983 की वो सात दिन, 1985 की प्यारी बहना और मोहब्बत जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन किया था। इस फिल्म की कथा, पटकथा और संवाद लिखे थे जैनेन्द्र जैन ने। 2 घंटे 36 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2 मई 1989 को। फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, सतीश कौशिक, रंजीत, विनोद मेहरा, नीलू फुले आदि। फिल्म के बेहतरीन गीतों को संगीतबद्ध किया था बप्पी लाहिड़ी ने और इनके बोल लिखे थे इंदिवर साहब ने। इन गीतों को अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और बप्पी लाहिड़ी ने। इस फिल्म में कुल 6 मधुर गीतों को जगह मिली थी। ये गीत थे शीशे की उम्र, प्याले की, बाहों में बोतल, चलना है मेरा काम के 2 वर्जन, ना जानू राम मेरी बिंदिया कहाँ गई और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत प्यार कभी कम नहीं करना। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 16 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1,70,00,000 रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से इसे एक सेमी हिट फिल्म कहा गया था। इस फिल्म ने सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली मनाई थी, जो कि मिथुन चक्रवर्ती की 12 फिल्मों के बाद पहली सिल्वर जुबली फिल्म रही। अगर साल 1989 की 3 सबसे कमाऊ फिल्मों की बात करें तो पहले स्थान पर रही फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने 14,50,00,000 रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म रामलखन, जिसने 9 करोड़ रुपए की कमाई की, तथा तीसरे स्थान पर फिल्म त्रिदेव रही, जिसने 8,50,00,000 रुपए की कमाई की। ये दोनों फिल्में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 2, साल 1989 मिथुन चक्रवर्ती के लिए बेहद ही खास रहा। इस साल उनकी कुल 19 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 18 हिंदी और 1 बंगाली फिल्म थी। 1985 से 1988 का समय मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम के प्रमुख साल थे, पर 1989 से हमें उनके कैरियर का ढलान देखने को मिलता है, जहां उनकी कई फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गईं। इस साल उनकी कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई जो कई सालों से बन रही थी और ये फिल्में रिलीज होकर फ्लॉप हो गईं। इन सभी 19 फिल्मों में प्रेम प्रतिज्ञा उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। इसे न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल हुई बल्कि समीक्षकों की भी काफी वाहवाही मिली, जो कि उस समय मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को भी काफी सराहना मिली और प्रेम प्रतिज्ञा को उनके कैरियर की सबसे बेहतरीन रोल में से एक माना जाता है। 1989 में छपी एक फिल्म समीक्षा में ये कहा गया कि तेजाब और रामलखन जैसी फिल्मों में माधुरी को हीरो के मुकाबले बहुत छोटे रोल मिले थे, पर प्रेम प्रतिज्ञा में अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्म के नायक मिथुन चक्रवर्ती को भी अपने सामने छोटा कर दिया। फैक्ट नंबर 4, प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक भावना सोमैया कहती हैं कि जब भी माधुरी दीक्षित किसी ऐसी अभिनय प्रधान फिल्म में काम करती थी तो फिल्म के रिलीज से पहले वो विचलित हो जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका सशक्त अभिनय हर कोई देखे और अगर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो लोगों को उनका अभिनय याद नहीं रहेगा। भावना सोमैया ये भी कहती हैं कि अपने कैरियर की आरंभिक फिल्मों में से अभिनय की दृष्टि से माधुरी दीक्षित जिन्हें सबसे अच्छी फिल्म मानती थी वो फिल्में हैं प्रेम प्रतिज्ञा और संगीत।
फैक्ट नंबर 5, मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने साल 1989 की 3 फिल्मों में काम किया और तीनों ही फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। ये फिल्में थीं इलाका, मुजरिम और प्रेम प्रतिज्ञा। मिथुन चक्रवर्ती की साल 1989 में कुल 4 फिल्में सफल रहीं। इनमें से 3 फिल्में माधुरी के अपोजिट थीं। ये सारी फिल्में उन्होंने सन 1987 में साइन की थीं और ये फिल्में 1989 में जाकर रिलीज हुईं। फैक्ट नंबर 6, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बाद मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के बीच मनमुटाव हो गया था और दोनों ने इसके बाद सिर्फ एक ही फिल्म में साथ काम किया जो कि इन्होंने पहले से ही साइन कर रखी थी। 1991 की फिल्म प्यार का देवता के बाद दोनों ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया। 1990 में दिए अपने एक इंटरव्यू में मिथुन बताते हैं कि एक ऐसा समय था जब माधुरी दीक्षित को कोई भी नहीं पूछता था, तब उन्होंने माधुरी की सिफारिश करके इन्हें कई फिल्में दिलाईं। बाद में जब ये स्टार बन गई तो ये उनसे बेरुखी कर ली। फैक्ट नंबर 7, साल 1989 माधुरी दीक्षित के कैरियर का स्वर्णिम साल साबित हुआ जब उन्होंने एक ही साल में 7 सफल फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में काम करके टॉप के अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार करा लिया। ये 7 फिल्में थीं रामलखन, त्रिदेव, मुजरिम, इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा, परिंदा और वर्दी। साथ ही उनकी 2 और फिल्में कानून अपना अपना और पाप का अंत औसत रहीं। कुल मिलाकर ये उनके कैरियर का बेहतरीन साल साबित हुआ। जहां उनकी 2 फिल्में रामलखन और त्रिदेव ब्लॉकबस्टर साबित हुई, वहीं प्रेम प्रतिज्ञा ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर नॉमिनेशन दिलाया और उनकी फिल्म परिंदा ने न केवल 2 नेशनल अवार्ड जीते बल्कि वो उस साल भारत की ओर से ऑस्कर तक जाने वाली फिल्म बनी। फैक्ट नंबर 8, प्रेम प्रतिज्ञा के निर्देशक बापू और मिथुन चक्रवर्ती की साथ में ये 3री फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने सन 1980 की फिल्म हम 5 और 1985 की फिल्म प्यारी बहना में साथ काम कर चुके थे। ये तीनों ही फिल्में व्यावसायिक रूप से तो सफल रही ही पर समीक्षकों के द्वारा सराही भी गईं और मिथुन चक्रवर्ती इन्हें अपने कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानते हैं। बापू ने इसी समय मिथुन के साथ एक और फिल्म की शुरुआत की जिसका नाम था परमात्मा। साथ ही साथ वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को लेकर बजरंगी नाम की फिल्म भी बना रहे थे। जहां परमात्मा को बनने में कई साल लग गए, वहीं फिल्म बजरंगी कभी बन ही नहीं पाई। इस कारण मिथुन और माधुरी के जो डेट्स उपलब्ध थे उनका प्रयोग करके फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा बनाई गई। इस दौरान बन रही फिल्म परमात्मा आखिरकार सन 1994 में जाकर रिलीज हो पाई और इसकी व्यावसायिक असफलता के बाद मिथुन और बापू ने कभी भी साथ काम नहीं किया। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती दोनों के अभिनय की काफी प्रशंसा हुई पर फिल्म फेयर पुरस्कारों में केवल माधुरी दीक्षित को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया पर मिथुन चक्रवर्ती को कोई भी फिल्म फेयर नामांकन नहीं मिला। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म हम 5 और प्रेम प्रतिज्ञा में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और वो पुरस्कार के भी हकदार थे जो कि उन्हें नहीं मिले। ये दूसरी बार हुआ था जब मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी इमेज से हटकर एक रोमांटिक फिल्म में काम किया पर फिल्म फेयर पुरस्कारों में उनकी हीरोइन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला पर मिथुन चक्रवर्ती को नामांकित नहीं किया गया। इससे पहले सन 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के दौरान ऐसा ही हुआ था जहां मिथुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन नहीं मिला पर उनकी नायिका पद्मिनी कोल्हापुरे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया गया था। फैक्ट नंबर 10, मिथुन चक्रवर्ती और विनोद मेहरा ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। विनोद मेहरा अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते नजर आते थे। साल 1989 में ही दोनों ने कुल 4 फिल्मों में साथ काम किया था। ये फिल्में थी मेरी जवान, 20 साल बाद, प्रेम प्रतिज्ञा और हम इंतजार करेंगे। निर्देशक बापू के साथ विनोद मेहरा की ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों सन 1985 की फिल्म प्यारी बहना में साथ काम कर चुके थे और इस फिल्म के नायक भी मिथुन चक्रवर्ती ही थे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित के साथ विनोद मेहरा ने केवल एक ही फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में काम किया। इसके अगले ही साल 1990 में विनोद मेहरा का आकस्मिक निधन हो गया जिससे ये दोनों आगे कभी साथ काम नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 11, सतीश कौशिक ने फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में मिथुन के दोस्त की भूमिका निभाई थी। ये जब फिल्मों में नए नए आए थे तब बापू ने उन्हें अपनी फिल्म वो 7 दिन में एक सीन करने को दिया। इसके 6 साल बाद इन्हें बापू ने एक बड़ी भूमिका में साइन किया। इस फिल्म के दौरान सतीश कौशिक का जुड़ाव फिल्म के लेखक जैनेन्द्र जैन के साथ भी हो गया और आगे चलकर दोनों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए। कुछ वर्षों बाद सतीश कौशिक जब निर्देशक बने तो इनकी कई फिल्मों में जैनेन्द्र जैन ने ही
पटकथा और संवाद लेखन किया। प्रेम रोग और वो सात दिन जैसी फिल्मों के लिए विख्यात जैनेन्द्र जैन ने जो आखिरी फिल्म लिखी थी उसके निर्देशक भी सतीश कौशिक ही थे। इस फिल्म का नाम था तेरे संग। इनका संबंध जो कि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से आरंभ हुआ वो जैनेन्द्र जैन की मृत्यु तक बना रहा। फैक्ट नंबर 12, देवेन वर्मा ने इस फिल्म में एक हास्य कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस साल देवेन वर्मा ने दो फिल्मों में काम किया था और दोनों ही फिल्मों में मिथुन के साथ काम किया। ये फिल्में थी प्रेम प्रतिज्ञा और दाना पानी। जहाँ प्रेम प्रतिज्ञा में वो बतौर अभिनेता नजर आए थे, वहीं दाना पानी के निर्माता और निर्देशक दोनों ही देवेन वर्मा थे। जब मिथुन चक्रवर्ती की रोमांटिक फिल्में हिट होने लगी तो देवेन वर्मा ने एक दिन उनसे कहा कि प्यार और प्रेम जैसे शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही लकी है। तुम्हारी प्यार या प्रेम शीर्षक वाली सारी फिल्में हिट हैं। फिर चाहे वो प्यार झुकता नहीं हो या फिर प्यारी बहना, तो ऐसा करो कि अपनी फ्लॉप फिल्मों के आगे प्यार शब्द जोड़कर उन्हें दोबारा रिलीज करो, शायद वो हिट हो जाए, जैसे कि प्यारा बॉक्सर। मिथुन उस समय इस बात को हंसी में टाल गए, पर प्रेम प्रतिज्ञा की सफलता से उन्हें एहसास हो गया कि सचमुच ही प्यार और प्रेम शब्द उनके लिए लकी हैं। और यही कारण है कि मिथुन चक्रवर्ती ने इंडस्ट्री में प्यार शीर्षक से सबसे ज्यादा फिल्में की हैं। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध किस्सा ये सुनाया जाता है कि इस फिल्म के दौरान माधुरी दीक्षित पर एक रेप सीन फिल्माया जाना था, जहां खलनायक रंजीत के साथ उन्हें ये दृश्य करना था। इस दृश्य को करने के बाद माधुरी दीक्षित इतनी घबरा गई कि फफक फफक कर रो पड़ी। ये भी कहा गया कि इस सीन को शूट करने में रंजीत ने माधुरी दीक्षित की काफी मदद की, तभी वो ये सीन करने में सहज हो पाए। लेकिन हाल ही में जब फिल्म से जुड़े लोगों से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने यह बताया कि इंटरनेट में प्रचलित यह कहानी भ्रामक और मनगढ़ंत है, और बापू जैसे संवेदनशील निर्देशक कभी भी अपने कलाकारों को असहज नहीं होने देते थे। फैक्ट नंबर 14, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा 1987 में शुरू हुई थी और फिल्म के गीतों को गाने के लिए किशोर कुमार को चुना गया था। यहाँ बताते चले कि किशोर कुमार ने एक समय मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाने से इनकार कर दिया था, पर 1985 के बाद किशोर कुमार ने मिथुन के लिए नियमित रूप से गाना शुरू कर दिया। और वैसे भी बप्पी लाहिड़ी और आरडी बर्मन के लिए वो मिथुन की फिल्मों में गाने को तैयार हो जाते थे, पर अफसोस किशोर कुमार का अक्टूबर 1987 में देहांत हो गया। तब तक किशोर कुमार ने इस फिल्म के दो गाने रिकॉर्ड कर लिए थे। ये गाने थे बाहों में बोतल और शीशे की उम्र प्याले की। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत प्यार कभी कम नहीं करना को बाद में बप्पी लाहिड़ी के द्वारा गाया गया, और ये बप्पी लाहिड़ी के द्वारा गाए गए सबसे बेहतरीन गीतों में से एक बना। फैक्ट नंबर 15, निर्देशक बापू अपनी फिल्मों में न केवल अभिनेता बल्कि टेक्नीशियंस को भी दोहराने के लिए जाने जाते थे। उनकी अधिकतर फिल्मों में कैमरा वर्क बाबा आजमी के द्वारा किया जाता था। प्रेम प्रतिज्ञा के सिनेमेटोग्राफर भी बाबा आजमी ही थे। बाबा आजमी यूं तो शबाना आजमी के भाई थे, पर उन्होंने अपनी पहचान एक सशक्त सिनेमेटोग्राफर के रूप में बनाई थी। इसी कारण इन्हें बापू की लगभग सभी हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला और हर फिल्म के साथ एक नया अनुभव जोड़ते चले गए। फिल्म प्यारी बहना के दौरान इनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी तन्वी आजमी से हुई। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बाद माधुरी और बाबा आजमी ने जितने भी फिल्मों में साथ काम किया वो सारी उनके कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्में साबित हुई, और ये सिलसिला कई सालों तक चला। माधुरी दीक्षित की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बाबा आजमी ही सिनेमेटोग्राफर रहे, जैसे कि दिल, बेटा, राजा आदि। फैक्ट नंबर 16, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा तमिल फिल्म वंदी चक्रम की रिमेक थी, जो कि सन 1980 में रिलीज हुई और जिसे सिल्क स्मिता की पहली फिल्म माना जाता है। इस फिल्म को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली, पर इस फिल्म के लिए अभिनेता शिव कुमार और अभिनेत्री सरिता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। 9 साल बाद जाकर बापू ने इस फिल्म के हिंदी रिमेक का निर्णय लिया। इससे पहले सन 1981 में इस फिल्म का तेलुगु रिमेक भी हुआ था, जिसका नाम था घराना गांगुलू। तो ये थी सन 1989 में आई लोकप्रिय फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।